युवा दुर्लभ कश्यप को अपना इस कदर आइडियल मान चुके हैं कि उसके पैतरे अपना के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। दुर्लभ कश्यप को अपना गुरु मान और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर छोटे छोटे युवा भी क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। अभी हाल ही में उज्जैन के पास मंदसौर में एक घटना देखने को मिली, जहां बदमाशों ने दुर्लभ कश्यप के नक्शे कदम पर चल के एक दर्दनाक हत्या को अंजाम दे दिया। मंदसौर के भानपुरा शीतला माता मोहल्ले में 11 अप्रैल की रात को दोस्तों के बीच आपसी रंजिश में हिमांशु बैरागी की 3 युवकों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। आरोपियों की पहचान विनय, दीपक गुर्जर और अश्मीर मंसूरी के रूप में हुई थी। मृतक और आरोपी दोस्त थे। अगस्त में एक दोस्त की बर्थडे पार्टी के दौरान आपस में मारपीट हुई थी, तब से ही उनके बीच दुश्मनी शुरू हो गई। इसके बाद हिमांशु के दिखते ही तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के लिए आरोपियों ने फ्लिपकार्ट से चाकू मंगाया था। उन्होंने गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप और मान्य सुरवे को अपना आइडियल भी बताया। आरोपी क्राइम की दुनिया का बादशाह बनना चाहते थे। पुलिस ने पूछताछ की तो क्राइम से जुड़े राज भी सामने आए। जिले में सोशल मीडिया पर 302 नाम से ग्रुप एक्टिव है। तीनों आरोपी इसी ग्रुप से जुड़े थे। ग्रुप की प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, जो हमारी आंखों में खटकते हैं, वे सीधा शमशान में जाकर भटकते हैं। सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े ज्यादातर युवा गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप और मान्य सुरवे को अपना आइडियल मानते हैं। यहाँ तक कि ग्रुप से जुड़े लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर लास्ट में 302 भी लिख रखा है। वे दुर्लभ कश्यप और मान्य सुरवे को कॉपी करते हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों की तरह दिखाई देने वाले अंदाज में सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो भी अपलोड करते हैं। पुलिस ने बताया कि जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने के लिए गैंग से जुड़े युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार है।